अधिकारियों को आरोपी ने लोकार्पण करा, क्या वो ठेकेदारों से भी बात करकर उनको एक निश्चित डेट दे दी है कि इस तारीख को लोकार्पण करने वाला ऐसा है? विकास करना हमारी आदत है, हमने इंदौर को विकसित होते हुए देखा है। 5 साल से क्षेत्र क्रमांक 1 में विकास के कार्य रुके हुए थे, अब ये तेजी से काम होगा और ये विधानसभा विकास के मामले में नंबर 1 बनेगी। हमने पूरा इसका मास्टर प्लान बना लिया है और हमें इस विधानसभा को शहर की नंबर 1 विधानसभा बनाएंगे विकास के मामले में। यहाँ पर समस्या विहीन विधानसभा होगी, समस्या बिल्कुल नहीं। भाई साहब, आपको एक मेहमान के नाम से यहाँ पर संबोधित किया जा रहा है कि कैलाशजी मेहमान है 1 नंबर विधानसभा के लिए, तो क्या जवाब देंगे विरोधियों? मैं इंदौर का मेयर था, ये इंदौर विकास मैंने किया, अगर मैं मेहमान हो गया तो मेहमान बोलने वाले कौन है ये देखें, वो कानपुर से कब आए, मैं तो पैदा यहीं हुआ। वैसे और अच्छी तरह से मध्य प्रदेश में चुनाव की रूपरेखा रहेगी, क्योंकि वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा की बात करें या दिग्विजय सिंह की बात करें, वो आप पर कटाक्ष कर रहे हैं लगातार कि सेंट्रल की राजनीति करने वाले आज वार्ड की या प्रदेश की राजनीति वापस आ गए। तो क्या हो गया, दिग्विजय सिंह जी भी तो सेंट्रल नेता थे, यहाँ पर गली गली घूम रहे हैं, बाकी जिस नेता का नाम लिया वो भी यहाँ पे गली गली घूम रहे हैं, वो भी राष्ट्रीय नेता थे। राजनीति में सब जगह काम करने का अनुभव होना चाहिए, तो भगवान पूछता ऊपर जाके कि तो मैं 1 नंबर विधानसभा का क्षेत्र का अनुभव है कि नहीं। मैं तो आकाश जी के कार्यकर्ता भोपाल जाएंगे, जो विधायक मतलब आकाश जी को विधायक का टिकट दिया जाए, क्या देखते हैं? मेरे को पता नहीं।